बात करेंगे रोहतक की, जहां कोविड को लेकर पीजीआई में मॉक ड्रिल चल रही है। मॉक ड्रिल में सारी व्यवस्थाओं की जांच हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मॉक ड्रिल के आदेश भी जारी हुए थे। तो लगातार मॉक ड्रिल को लेकर जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अब कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए तमाम अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जा रही है। और मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य यही है कि इसे कम से कम ये अंदाजा लगाया जा सके कि क्या हमारी जो व्यवस्थाएं हैं अस्पताल में, स्वास्थ्य विभाग में, वो कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हैं या नहीं। ऐसे तमाम चीजों पर नजर बनाए रखने के लिए सबसे पहले मॉक ड्रिल की शुरुआत हुई है, जिसमें रोहतक में भी जो है कोविड को लेकर मॉक ड्रिल हुई है। इससे पहले गुरुग्राम में हमने देखा जहां मॉक ड्रिल को लेकर तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं रोहतक पीजीआई में भी मॉक ड्रिल को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आदेश जारी किए गए थे। व्यवस्थाओं की जांच मॉक ड्रिल के दौरान हुई है। पीजीआई में मॉक ड्रिल के दौरान ये देखा गया कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। सभी जो व्यवस्थाएं हैं उसकी जांच हुई है और बकाया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से इसके लिए आदेश जारी किए गए थे। तो साफ तौर पर ये माना जा सकता है कि अब पूरा राज्य कोरोना से निपटने के लिए तैयार हो सके, उसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही है।